हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे रिपीट कमांड के बारे में। तो रिपीट कमांड हम लोग यूज़ करते हैं अपनी प्रीवियस कमांड को फिर से रिपीट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं रिपीट कमांड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो रिपीट कमांड का जो शॉर्टकट रहता है वो रहता है Ctrl+R। तो उसको यूज़ करने के लिए हम कीबोर्ड से Ctrl+R प्रेस करेंगे तो वो जो हमारी कमांड जो हमने यूज़ की रहेगी वो रिपीट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हमारे पास यहाँ पे ये बॉक्स है और इस बॉक्स को अगर हम राइट साइड में कॉपी करेंगे तो मैं यहाँ से ड्रैग करके लाता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके रखना है और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैंने ये कॉपी ले ली है। तो अब मुझे इस कॉपी कमांड की अगर रिपीट लेना है, रिपीट अगर नेक्स्ट बॉक्स लेना है तो मैं यहाँ से Ctrl+R प्रेस करूँगा। तो क्योंकि मैंने राइट साइड को कॉपी ली थी तो ये राइट साइड को जो मेरी कमांड को वो रिपीट करता जाएगा जब तक भी मुझे चाहिए। इस तरीके से मैं यहाँ पे सभी बॉक्सेस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे नीचे की तरफ को ड्रैग करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नीचे की तरफ को कॉपी करेगा। अब मुझे ये वाली कमांड रिपीट करनी है तो मैं Ctrl+R प्रेस करूँगा तो ये नीचे की तरफ को इसकी कॉपीज बनाता जाएगा। तो हम इस तरीके से रिपीट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। और अगर मान लो हमने यहाँ पे ये बॉक्स लिया है, इस बॉक्स के हम यहाँ पे डायमेंशंस कुछ डालते हैं, उससे पहले हम इन सभी बॉक्सेस को अलग अलग साइजेस का बना देते हैं। इतने काफ़ी हैं, ये सभी बॉक्सेस बिल्कुल अलग अलग साइजेस के हैं। तो हम पहले इसके डायमेंशन को हम यहाँ पे 15x15 mm का रखते हैं। तो अब हमें अगर ये सेम डायमेंशंस इन सभी के लिए रखनी है तो हम किसी भी बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे Ctrl+R प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हो कि ये वाला बॉक्स जो है वो 15x15 mm का बन चुका है। इस तरीके से हम इन सभी बॉक्सेस को Ctrl+R करके अपनी कमांड जो हमने यूज़ की है उसकी हेल्प से हम इन सभी को एक ही साइज़ का बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम रिपीट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की शेप बनाने के लिए भी हम रिपीट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से इस तरीके की शेप लेंगे ऐसे। इस तरीके से हम इसको करेंगे कन्वर्ट टू कर्व। करने के बाद हम यहाँ पे इसके सेंटर में एक सेंटर लाइन रखेंगे और इसके सेंटर पे हम एक नोड ऐड करेंगे और इन साइड वाली नोड्स को हम डबल क्लिक करके इस तरीके से डिलीट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे एक सर्कल चाहिए तो हम इस तरीके से सर्कल बना लेंगे। इसके आउटलाइन की विड्थ को हम बढ़ा देते हैं और उसके बाद हमें इस वाली जो शेप है इसको हमें इसके सेंटर पे रखना है और हम इसको ड्रैग करेंगे सर्कल के सेंटर तक। सर्कल के सेंटर पे ड्रैग करने के बाद हमें इसका जो रोटेशन पॉइंट है उसको हमें चेंज करना है। तो ये जो बीच में इसका ओरिजिन रहता है ये इसका सेंटर पॉइंट रहता है तो ये इसी के अराउंड रोटेट करता है। तो हमें इसको इस वाले सेंटर के हमें इसको सर्कल के सेंटर पे अराउंड अराउंड हमें रिवॉल्व कराना है। तो हम इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इसका सेंटर पॉइंट है इसको उठा के हम यहाँ पे सर्कल के सेंटर पे रख देंगे। इसके बाद ये जो कॉर्नर पे रोटेशन का जो आइकन आ रहा है हम यहाँ से Ctrl+ करके रखेंगे और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पाने के बाद राइट क्लिक कर देंगे तो ये इसका कॉपी कर लेगा। और उसके बाद अब हम ये रोटेशन कमांड रिपीट करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+R तो ये इस तरीके से इसकी कॉपी बनाता जाएगा इक्वल डिस्टेंस पे। तो इस तरीके से भी हम रोटेशन कमांड का यूज़ हम रिपीट कमांड के साथ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे और कुछ भी ऐड करना है, इस तरीके से मान लो हमें ये वाली शेप ऐड करनी है, यहाँ पे हम सी प्रेस करेंगे उसके बाद। अब हमें अगर इस सर्कल को रोटेट कराना है तो हम इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको लाके हम सर्कल के सेंटर पर रखेंगे और यहाँ से इसको Ctrl+ करके रोटेट करके राइट क्लिक करेंगे
और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस आर, तो ये इस तरीके से कमांड रिपीट होगी। अब हम इस सर्कल की कॉपी लेके यहाँ पे इस तरीके से लाके फिर ये कलर देके, तो इस तरीके से भी हम रिपीट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए हम रिपीट कमांड को यूज़ कर सकते हैं, या रिपीट कमांड अगर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें एक साथ में चेंज करना है और हमें बार बार अपनी कमांड रिपीट ना करना पड़े, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट है रिपीट कमांड का, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।